हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आपके लिए एक इंडक्शन का, जो पिजन ब्रांड का है। आप देख सकते हैं पिजन ब्रांड का ये इंडक्शन है। 1800 वाट में ये आता है, मतलब कम का भी मिलता है, बट हमने 1800 वाट का लिया है। इससे पहले भी हमने एक इंडक्शन कुकटॉप का रिव्यू डाला हुआ है, जो टच पैनल में था, जिसका ये पैनल जो है टच में था, बट ये पुश बटन वाला है। इसमें आप प्रेस करते हैं बटन को तब ये काम करता है, ठीक है। तो इसका रिव्यू हम आपके लिए करते हैं। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो अराउंड आपको 1600 से 1700 रुपए की कॉस्ट आपको ये करता है। 1600 से 1700 रुपए का आपको इजीली मिल जाएगा, चाहे फ्लिपकार्ट से ले लें, अमेजोन से ले लें। तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू हम आपके लिए तब करते हैं जब उसे हम कम से कम 3 से 4 महीने अच्छे से यूज कर लेते हैं, ताकि हम उसका बिल्कुल ट्रू रिव्यू आपको दे पाएँ। तो ऐसा ही हमने इसमें किया है। इसे हमने करीब 3 महीने तक यूज कर लिया है, उसके बाद हम आपको इसका रिव्यू दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट एकदम ठीक है, प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं आ रहा है हमको, एकदम ठीक प्रोडक्ट है। और आपको थोड़ा सा इसका यूजेस भी दिखा देते हैं। ये तो आप जानते होंगे, इस पे नॉन स्टिक बर्तन काम करते हैं, जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जैसे कि आप स्टील के भी यूज कर सकते हैं, स्टील के और या फिर इंडक्शन बेस जो है वो काम करता है इसके ऊपर। आपको दिखाते हैं कितनी देर में ये पानी को गर्म कर सकता है। ये देखिए, हमने पानी रखा हुआ है इस पर, ठीक है। इसको यूज करना भी आप देख लेंगे, ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको आप प्रेस कर देंगे। अभी इसका मेन स्विच ऑन नहीं है, वो मैं कर देता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया, यहाँ पे पावर की एलईडी जल गई है, ऑन हो गई है। अब हम इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1000 का हीट दिखा रहा है अपना। इसको अगर हमें बढ़ाना है या घटाना है तो ये यहाँ पे एक फंक्शन का बटन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए अब 1800 पे चल रहा है, ये डीप फ्राई पे आ गया। ये देखिए यहाँ से डोसा चपाती का ऑप्शन है, 1200 पे आ गया। यहाँ से हीट मिल्क करने के लिए दिया हुआ है, इसी से चेंज होती है सारी हीट इसकी। करी पे आ गया, यहाँ पे कि आपने सौते पे आ गया, सौते कर सकते हैं आप कुछ भी इसके अंदर। ये प्रेशर कुकर के लिए होता है आपका, ठीक है। तो और ये इडली के लिए ये भी दिया हुआ है, जिसका 1000 है इडली के लिए। डीप फ्राई में सबसे ज़्यादा होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए प्लस माइनस इसमें लिखा हुआ है, तो प्लस करेंगे तो अभी तो ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि 1800 पे है, तो हाईएस्ट है इसका टेम्परेचर। माइनस करके देखते हैं, ये देखिए 1600 हो गया, शायद आपको ठीक से डिस्प्ले में शो ना कर रहा हो। ये देखिए अब 1400 हो गया, 1200 हो गया, 1000 हो गया, ऐसे करके हम इसको घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी तेज़ी से काम करता है। ये टाइमर का भी फंक्शन है, आप टाइमर भी इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कितनी देर में ये गर्म करता है, इसको मैक्सिमम पे कर देते हैं। ये देखिए पानी जो है गर्म होना शुरू हो गया है। बाकी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है आपका। जो है एलपीजी भी सेव होगा, एलपीजी भी काफ़ी महंगा हो रखा है आजकल, तो वो भी आप सेव कर सकते हैं। और इमरजेंसी में मान लीजिए घर में अपना एलपीजी का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो 1 से 2 दिन लगते हैं अगर आप बुकिंग करें दूसरा आने में, तो तब तक आप इसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। ये देखिएगा आप, पानी इसका गर्म होना शुरू हो गया है, ये बबल्स उठने लगे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है, हम तो रिकमेंड करेंगे इसको। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।